धरती सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां अभी तक जीवन संभव हो पाया है। वैज्ञानिक अन्य ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं ताकि भविष्य में इंसानों को वहां बसाया जा सके। इस रेस में मंगल ग्रह का नाम सबसे आगे है, जो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है और काफी हद तक धरती से मिलता जुलता है। तो क्या हो अगर मंगल ग्रह पर अचानक से 8 अरब इंसान जाकर बस जाएं? क्या वहां का जीवन धरती की तरह सामान्य हो पाएगा? मंगल ग्रह पर 8 अरब लोगों का बसना। धरती के पड़ोसी ग्रह मंगल पर अब तक वैज्ञानिक कई तरह की रिसर्च कर चुके हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस ग्रह की सतह के नीचे पानी बर्फ के रूप में जमी हुई अवस्था में हो सकता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें और ज्वालामुखी देखने को भी मिलते हैं, जिससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते वक्त में कभी मंगल ग्रह के हालात पृथ्वी की तरह थे। वैज्ञानिक एक बार फिर मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं ताकि धरतीवासियों को रहने के लिए एक नया ठिकाना मिल सके। दरअसल पृथ्वी पर आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जो 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन, बढ़ते पॉल्यूशन और गर्म तापमान की वजह से धरती के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंसान के रहने के लिए जगह की भी कमी हो गई है। इस वजह से पेड़ों की कटाई ज्यादा होने लगी है, फसलें तेजी से खराब हो रही हैं और मौसम में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जबकि ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने धरती पर इंसान का जीवन मुश्किल बना दिया है। धरतीवासियों को जल्द से जल्द नया घर तलाश करना होगा, जहां वो नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर सके और उस ग्रह के हालात इतने खराब ना हों। इस कड़ी में वैज्ञानिक मंगल को सबसे अहम ग्रह मानते हैं, जो धरती के नजदीक है और वहां जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए विभिन्न तरह के मिशन्स और रोबोट्स भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए खास तरह के रॉकेट्स तैयार कर रही है, जो साल 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। धरती पर इंसानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि धरती के आकार को किसी भी सूरत में बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भविष्य में धरती पर इंसानों की आबादी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि ये आंकड़ा 10 और 12 अरब की सीमा को पार कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में एक घर में लगभग 40 से 50 लोगों को एक साथ रहना होगा, ताकि फसल उगाने के लिए पर्याप्त जमीन और खेतों को बचाया जा सके। अगर सभी इंसान आज से ही मंगल ग्रह पर रहने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लाल ग्रह में ये एक अलग सा प्रयोग साबित होगा। अगर आकार की बात की जाए तो मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से छोटा है और इसका सरफेस एरिया धरती के सरफेस एरिया का लगभग 28% हिस्सा है। इसका सीधा मतलब ये है कि धरती पर महासागरों को छोड़कर जितनी भूमि है, मंगल ग्रह पर कुल उतनी जमीन यानी सतह है, जबकि इस ग्रह पर कोई महासागर या नदी भी नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह का वजन हमारी पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना कम है, जिसकी वजह से लाल ग्रह ज्यादा इंसानों का वजन सहन करने लायक नहीं है। अगर मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बना दिया जाए और वहां इंसानी बस्तियां तैयार हो जाएं, तो भी इंसान के लिए लाल ग्रह पर लंबे समय तक टिक पाना बहुत ही चुनौती भरा होगा। मंगल ग्रह की अलग परिस्थितियों की वजह से यहां रहने वाले इंसानों को मांसपेशियों में अकड़न और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और अगर इस समस्या को समय रहते हल ना किया जाए तो इंसान चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा और उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर धरती की तरह खेती करना भी आसान नहीं होगा, जबकि वहां कुछ सीमित सब्जियों और फसलों का ही उत्पादन किया जाएगा। अगर 8 अरब इंसान मंगल ग्रह पर जाकर बस जाते हैं, तो उन्हें शुरुआत से ही चुनिंदा चीजें यानी मटर और आलू जैसी सब्जियां खाने की आदत डालनी पड़ेगी और उन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां नहीं मिल पाएंगी।
यही हाल अनाज का भी होगा, जबकि उसकी मात्रा भी काफी कम होगी और इस वजह से इंसान को अपनी डाइट में खास तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करने वालों को जब चुनिंदा चीजों तक सीमित रहना पड़ेगा तो इसका असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों को गाय, भैंस और बकरी समेत विभिन्न प्रकार के जीवों का दूध और उससे बने उत्पादन भी ना के बराबर ही मिल पाएंगे, जबकि इस तरह के उत्पादों की कीमत काफी ज्यादा होगी। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों के घर भी धरती के मुकाबले बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि वहां कम संसाधन होने की वजह से 3D मॉडल से तैयार हल्के फुल्के घरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह के घरों को बनाना कम खर्चीला होगा, लेकिन ये घर मंगल ग्रह के तेज मिट्टी और आंधी वाले तूफान को सहन कर पाने में सक्षम होंगे या नहीं, इस बारे में साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, इन घरों का आकार बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि मंगल ग्रह पर धरती के मुकाबले कम जमीन है और वहां 8 अरब लोगों के फिट होने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है। मंगल ग्रह पर गुंबद के डिजाइन वाले छोटे छोटे घर बनाए जाएंगे, इसलिए बड़े बड़े घरों में सुविधाजनक जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए मंगल ग्रह पर रहना काफी असुविधाजनक साबित हो सकता है। इन घरों के अंदर का माहौल ठंडा और सामान्य रखने के लिए खास तरह के गैजेट्स का यूज किया जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह के पास धरती की तरह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह का वायुमंडल भी बहुत पतला है, जिसकी वजह से सूरज की हानिकारक रेडिएशन वहां रहने वाले इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे और जंगल भी नहीं है, इसलिए 8 अरब इंसानों को सांस लेने के लिए मंगल ग्रह पर प्राकृतिक ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इंसानों को मंगल ग्रह पर स्पेस सूट पहन कर रखना होगा, ताकि वो सूरज की हानिकारक रेडिएशन से खुद को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा घर से बाहर निकलने पर इंसानों को अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी टांगना होगा, क्योंकि लाल ग्रह पर प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं होता है। इस ग्रह का तापमान भी इंसान को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है, जहां अचानक से काफी ज्यादा गर्मी और ठंड महसूस होने लगती है। मंगल ग्रह पर दिन के समय गर्म हवाएं चलती हैं, जबकि रात के समय अचानक से तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क जाता है। मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों को तापमान में आने वाले बदलाव की आदत डालनी होगी, जबकि उन्हें पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल ग्रह पर पीने के पानी के लिए उसकी सतह के नीचे बर्फ को पिघलाना होगा, जिसे तुरंत ऐसे बर्तन या मशीनों के अंदर ट्रांसफर करना होगा जहां वो पानी दोबारा से बर्फ ना बने। इसके अलावा 8 अरब लोगों की प्यास बुझाने के लिए मंगल ग्रह पर रोजाना पानी को जमीन से निकालना पड़ेगा, जबकि धरती पर पीने के पानी के लिए झील, नदियां और झरने जैसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं। अगर धरती पर रहने वाले 8 अरब लोग अचानक से मंगल ग्रह पर बस जाएंगे तो उन्हें मौसम में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मंगल ग्रह पर रोजाना तापमान में ही बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पूरे साल भर मौसम एक जैसा रहता है। यानी मंगल ग्रह पर रहते हुए आप सर्दी, गर्मी, बरसात या वसंत ऋतु जैसे अलग अलग सीजन का मजा उठाने का मौका नहीं मिलेगा, और ना ही आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ अलग अलग सीजन में छुट्टियां बिताने का आनंद उठा पाएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक साल धरती के मुकाबले 2 गुना बड़ा होता है, यानी अगर आप मंगल ग्रह पर रहेंगे तो वहां एक साल पूरा होने में 687 दिनों का वक्त लगेगा, जबकि धरती पर एक साल 365 दिन का होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंगल ग्रह पर 8 अरब इंसानों का बसना किसी भी तरह से लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी एक छोटे से ग्रह पर फिट नहीं हो सकती है। एक अनुमान की माने तो धरती जैसे बड़े ग्रह पर भी सिर्फ 11 अरब लोगों के समाने की क्षमता है। इसके बाद पृथ्वी भी इंसानों की बढ़ती आबादी का बोझ नहीं उठा पाएगी। मंगल ग्रह तो आकार में धरती से छोटा है, जबकि वहाँ प्राकृतिक संसाधन भी ना के बराबर है। अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर बसना है तो उन्हें सबसे पहले वहाँ रहने लायक हालात पैदा करने होंगे।
इसके बाद इंसानों को धरती से मंगल ग्रह तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसके लिए कई करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यही वजह है कि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां उन्हीं लोगों को धरती से मंगल ग्रह पर ले जाएंगी जो इतना सारा खर्च उठाने लायक होंगे। इसका ये मतलब है कि धरती पर रहने वाले अमीर वर्ग के लोग ही मंगल ग्रह तक जा सकते हैं, जहां वो इंसानी कॉलोनी में कम संसाधनों के साथ जीवन जी पाएंगे। मंगल ग्रह पर धरती की तरह सामान्य हालात पैदा करने और उसे एक हरा भरा ग्रह बनाने में कई सालों का लंबा वक्त लग सकता है, जबकि ये मिशन पूरी तरह से सफल होगा या नहीं इसे लेकर भी वैज्ञानिकों के मन में संदेह है। हम ये कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर 8 अरब इंसान नहीं रह सकते हैं, बल्कि इस ग्रह पर चुनिंदा लोगों की आबादी रहेगी और फिर वही लोग मंगल ग्रह पर आबादी बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं धरती पर रहने वाले लोगों को प्राकृतिक संसाधनों की बचत करने के साथ साथ बढ़ती आबादी पर भी रोक लगाने के उपायों के बारे में सोचना चाहिए, वरना आने वाले कुछ सालों में धरती पर इंसानों की आबादी का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही मौत के मुंह में समा जाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर 8 अरब लोगों का बसना मुमकिन है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।